So hey guys, here I got my passport here. So hey guys, welcome, welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi my name is Zakshyam. And today in this video, we will talk about the passport. So here's my passport. Let's see, I'm opening it here. So here's my whole setup through which I am making my video and editing my video. This is my tripod stand and this is my laptop here, guys. So let's start the video. तो है गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा पासपोर्ट जो है बनने वाला है और बन के आने वाला है तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरा पासपोर्ट जो है काफ़ी लेट आया है तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है क्योंकि लेट इतना होता नहीं है 14 से लेके ट्वेंटी डेज़ में आपका जो है पासपोर्ट आपके घर पर आ जाता है लेकिन मेरा कुछ अलग ही सिचुएशन था जिसके कारण मेरा पासपोर्ट काफ़ी लेट बन के आया है तो मैं अपना सिचुएशन के साथ और पासपोर्ट जो है कैसे बनाया जाता है मैं आपको इस वीडियो में लेके कवर करूँगा पूरा कि पासपोर्ट को कैसे बनाया जाता है और अपॉइंटमेंट से लेके पुलिस वेरिफिकेशन तक मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ ठीक है चलिए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को लेट्स विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ तो भाई गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए ही नहीं होता ये एक्चुअली ये भी होता है कि एक तो मेरा प्रेफरेंस आईडी हो गया ये ठीक है जिसके आप जो है अपना वैलिड प्रूफ कुछ भी चीज़ का बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ में आपका मिस्टेक या कुछ भी अगर वो कोई भी आपको प्रूफ मांगते हैं कोई भी चीज़ का तो आप जो है बता सकते हैं कि मेरा ये प्रूफ में ऐसा है तो आप वेरिफिकेशन के तौर पे अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं तो मैंने ही कुछ ऐसे ही कारण से बनवाया और आप लोग को आगे पता चलेगा मेरे वीडियो में कि मैं जो है पासपोर्ट क्यों बनवाया हूँ इरादा तो है कि फ़ॉरेन टू ट्रैवल करने का तो आई होप कि मैं जो है ट्रैवल कर सकूँ या इंडिया से दूसरे कंट्री में आ, इसी इसी ब्लॉग में मतलब इसी चैनल पे आपको हर कुछ मिलेगा फॉरेन टूर्स से ट्रैवल तक अगर मैं ट्रैवल करूँगा इन फ्यूचर तो ठीक है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि पासपोर्ट जो है होता क्या है तो पासपोर्ट जो है एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है ठीक है जो कि हम लोग को गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है इसके माध्यम से मतलब इस पासपोर्ट के जरिए जो है आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं जिसमें कि आपका वीज़ा आपको वीज़ा लेना पड़ेगा कोई भी कंट्री अगर जा रहे हैं तो अलग अलग वीज़ा लगता है उसमें इमिग्रेशन सेंटर में आपको वीज़ा वगैरह मिल जाएगा वहाँ से आप अपना वीज़ा वगैरह लगवा लो पासपोर्ट पे उसके बाद टूर ट्रैवल टूर के लिए निकल जाओ ये अगर कोई काम करना चाहे मेनली पासपोर्ट जो है कितने तरह का होता है पासपोर्ट जो है दो तरह का होता है एक ई होता है एक नॉन ई होता है तो मैंने अपना नॉन ई बनवाया है कि देखिए ई सबसे पहला ई क्या होता है ई पासपोर्ट वो होता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते जैसे अनपढ़ रहते हैं मतलब उसके पास कोई डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है और वो मतलब फॉरेन कंट्री में कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग नॉन मतलब ई पासपोर्ट बनाते हैं मेरा तो खैर नॉन ई पासपोर्ट है तो मैंने अपना क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगता है तो अब जान लीजिए डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोगों ने जाना कि पासपोर्ट दो तरह का मेनली होता है एक ई एक नॉन ई तो मेरा कौन सा है नॉन ई तो बताता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में जो है क्या क्या लगता है तो सबसे पहला बात है कि डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा टेंथ का मार्कशीट लगेगा दूसरा आधार कार्ड लगेगा आपका और तीसरा पैन कार्ड लगेगा और चौथा जो है बैंक का अकाउंट लगेगा तो ये चार चीज मस्ट है आ, अगर आपके पास नहीं है इन चारों में से एक भी चीज़ तो आई थिंक प्रॉब्लम हो सकती है तो मेरा तो यही लगा था जो मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ मेरा तो यही लगा था तो मैंने अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया यहाँ पे तो अब जो है बताता हूँ कि पासपोर्ट कितना कॉस्ट अराउंड अप कितना तक में बन जाता है तो मेनली तो ये फिफ्टीन हंड्रेड में बन जाता है इसका ऑफिशियल चार्ज यही है कि फ़िफ्टीन हंड्रेड लगेगा तो आपको जो है सबसे पहले पासपोर्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए अपना एक ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है पोर्टल नहीं मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है पोर्टल नहीं क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल सब जो है वो फेक होते हैं अगर आपने उसमें अपना पेमेंट कटवा दिया तो वो आपका पैसा गया समझ लो तो सेफ एंड सिक्योर सबसे बेस्ट वेबसाइट क्या है सबसे बेस्ट पास मतलब पासपोर्ट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ये वाला वेबसाइट पे ही पासपोर्ट आप लोग बनवाना अगर दूसरे पोर्टल सब पे बनवाते हो तो आई एम डैम श्योर कि वो जो है आपका पैसा जाने वाला है और वो पासपोर्ट बनेगा भी नहीं ये लोग फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन पे भी तो डॉक्यूमेंट को मैंने बता ही दिया डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है जैसे ही आप ऑनलाइन करते हो तो इसी वेबसाइट पे आप जाके ऑनलाइन कर लो सबसे पहले ऑनलाइन कर लोगे पासपोर्ट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन खोलो गूगल पे उसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन कर लो अपना अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स कर लो अगर नहीं आता है तो कैफ़े वगैरह जाओ यार लेकिन वही है कैफ़े वगैरह वो, वो लोग लो दो या तीन सौ ले लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज तो वो लोग भी कमाने बैठे हैं तो दो या तीन सौ भरने का ले लेते हैं वो लोग तो मेरे को पता था तो मैंने यहीं से अपना लैपी से भर लिया तो अपॉइंटमेंट जाके दे दिया अपॉइंटमेंट आपको फिक्स करना पड़ता है जैसे आप आज भर रहे हो जैसे आज मान लो फिफ्टीन फिफ्टीन है तो सेवनटीन का अपॉइंटमेंट लेना है आराम से मिल जाएगा पटना का अपॉइंटमेंट लेना पटना का ले लो जहाँ का अपॉइंटमेंट अगर आप दिल्ली में हो दिल्ली का अपॉइंटमेंट लेना है नज़दीकी पोस्ट ऑफिस आपका होना चाहिए जहाँ की आप मतलब अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द करवा सकते हैं आपको जाने में सहूलियत बन सके तो मैंने अपना बगल के ही पोस्ट ऑफिस में गया अपॉइंटमेंट एक्चुअली क्या हुआ ना मेरे साथ बहुत बड़ा ये हो गया एक क्या बोलते हैं होना नहीं चाहिए लेकिन अब क्या, क्या हो ही जाए तो मेरा पासपोर्ट बनने में एक साल लग गया तो मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है तो क्यों एक साल लगा तो मैं बताता हूँ सबसे तो पहला बात यह है कि हाँ एक साल लगने का कारण ये भी है कि मेरा जो टेंथ का मार्कशीट में जो है पापा का टाइटल जो है वो मिस्टेक हो गया था लाइक या सरनेम भी अगर आपका मिस्टेक हो जाता है तो वो लोग पासपोर्ट जो है वैलिड मतलब वो जो है आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे अगर वो आपका गलत जरा सा भी हो जाता है तो सबसे पहले मेरे पापा का मान लो कुछ भी हो जाए मतलब मान लो चिराग शर्मा है तो चिराग शर्मा आपका टाइटल का नाम है मतलब पापा का नाम चिराग शर्मा है तो टाइटल भी हो ये और जो भी हो सरनेम वगैरह जो भी हो तो अगर आपका उसमें चिराग देव या ऐसे कुछ या चिराग कुमार या समथिंग कुछ भी अगर जरा सा भी चेंज हुआ ना तो वो लोग जो है रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो ये सब भी आपको ध्यान देना चाहिए तो मेरा जो यही कुछ हो गया था जिसके कारण कि मेरे को अपना पैन कार्ड चेंज करना पड़ा आधार कार्ड चेंज करना पड़ा सब कुछ चेंज करना पड़ा तब जाके मेरा पासपोर्ट आज बन रहा है जैसे पासपोर्ट में तो कितना आई थिंक मे बी अराउंड फिफ्टीन से ट्वेंटी डेज लगता है उतना भी नहीं लगता है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर जिसका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो वो लोग अपना सही वगैरह करवा ले जिसका नहीं है वो आराम से ट्वेंटी डेज में घर पे आ जाता है और रही पुलिस वेरिफिकेशन की बात पुलिस वेरीफिकेशन आप लोग आराम से करते हैं ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि अरे यार, यार पुलिस में जाऊँगा क्या होगा ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है पुलिस वेरिकेशन एकदम सिंपल है वो आपका वैलिड आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं प्रूफ मांगते हैं उसके बाद फिर सब कुछ मांगेंगे उसके बाद फिर जो है वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे आपका नाम पूछेंगे कंप्यूटर में सर्च करेंगे तो सारा आपका डिटेल निकल जाता है अगर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका केस दर्ज है कुछ भी है तो वो जो आपका प्रोसेस नहीं करेंगे बोलेंगे नो आई अकाउंट प्रोसेस योर पासपोर्ट प्लीज तो वो आपको घुरा सकते हैं इसलिए क्रिमिनल रिकॉर्ड या कुछ भी केस वगैरह आपके ऊपर नहीं होना चाहिए तो वहाँ से अगर अप्रूवल हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं एस ऑफिस पहुँचा देते हैं आपका पासपोर्ट एस ऑफ़िस पहुँचाने के बाद आपका जो है तुरंत से वेरीफाई हो जाता है सब कुछ वेरीफाई होने के बाद बस ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव डेज मे बी ट्वेंटी ट्वेंटी से फोर्टीन से ट्वेंटी डेज लगता है मेरे ख्याल से मेरा तो एक साल लग गया है देखो मैंने कब अप्लाई किया था मैंने अप्लाई किया था जनवरी ट्वेंटी 20 को टू थाउजेंड ट्वेंटी में मैंने अप्लाई किया था तो हालांकि तीन ऑफसर वहाँ पर बैठे थे तो पहला हुआ क्या तीन ऑफिसर में से दो ऑफिसर मेरा अप्रूव कर दिया सब कुछ तो एक ऑफिसर ने गलती पकड़ लिया मेरा सर ने में प्रॉब्लम है इसके फादर का तो वो मेरे को रिजेक्ट कर दिया डॉक्यूमेंट बोले कि जाओ फिर से दूसरा नंबर गेट लेके आना तो कोरोना वगैरह के कारण जो है मेरे को लेट हो गया बहुत तो इधर ही मैंने अप्लाई किया था फिर से तो वही हो गया और वो लोग जो है पासपोर्ट ऑफिस में पता नहीं यार आ, वो मैंने बोला सर प्लीज़ चेंज कर दीजिए सर ने मगर जो मेरा रजिस्टर्ड हो चुका है पहले से वहाँ से सर चेंज कर दीजिए लेकिन उस उन्होंने जो है नहीं किया उन्होंने बोला कुछ चार्ज लगेगा।, लगेगा तो चार्ज लगेगा तो ऑबियसली वो आपसे कुछ मांग रहे हैं तो मैंने बोला अच्छा ठीक है सर जो लगेगा मैं देने के लिए और हाँ पुलिस वेरिकेशन भी, भी जो है ये लोग पैसा वगैरह खाते हैं तो ध्यान रहे कि पैसा वगैरह अगर लेते हैं तो एक सौ दो सौ दे दो यार काम चला बोलो तो स्टूडेंट है ये है वो है काम चला सकते हो तो मैंने तो कुछ भी नहीं दिया क्योंकि मैं, मेरे को एक अंकल से बात थी पहले से वो जो है पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो उनसे बात मैंने पुलिस को करवाया तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है जाइए आप आपको पैसा वगैरह पे करने का कोई ज़रूरी नहीं लेकिन वो पासपोर्ट वगैरह ने मेरा मार ही लिया यार क्या बोलूँ मैं समझ सकते हो भाई स्टूडेंट का हाल क्या हो सकता है अब क्या बताऊँ बनवाना तो था क्योंकि फॉरन टूर ट्रैवल करना ही है आगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मे बी इट्स अराउंड इट्स टेक ईयर मे बी आई विल ट्रैवल डेफिनेटली आई विल ट्रैवल आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा तो देख ही लीजिएगा तो आई होप कि ये एक्सपीरियंस मेरा अच्छा लगा आप लोग सुन को अच्छा लगा होगा और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें बहुत ही इस सिंपल प्रोसेस है कुछ भी लंबा प्रोसेस कुछ भी नहीं है आप लोग को ट्वेंटी डेज़ में पासपोर्ट मिल सकता है घर पे जैसा कि मेरा पासपोर्ट देखिए आ चुका है यहाँ पे देख लीजिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट गणराज पीछे जो हिस्ट्री सटा हुआ है और अगर मैं कोई भी देश ट्रैवल करना चाहता हूँ तो अंदर में ये थर्टी पेज या थर्टी पेज दिया हुआ है अंदर में जितना भी देश ट्रैवल करना है आराम से करो ट्रैवल यार क्या प्रॉब्लम है बस यही आ गया है और ये देखिए इन्वेलप uh, वगैरह भेजा है इस पर जो है डिलीवर्ड लिखाया है इधर एड्रेस वगैरह है ये सब सब चीज़ है तो बाय फॉर नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस आई होप यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ अगर आप लोग पसंद करते हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो यार इतना तो अपने भाई के लिए बनता है कर भी सकते हो आई होप यू अंडरस्टैंड माई इफर्ट आई होप यू वो लाइक माई भीजियूज़ बाय फॉर नाव मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में Thanks for watching!